अब सर्किट में अगर जो एक्स वाला जो बल्ब है अगर ये फ्यूज हो जाता है तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बल्ब जल रहा है देखो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ही एक्स वाला बल्ब फ्यूज होगा तो फ्यूज होते हमारे पास सर्किट क्या होगा ब्रेक हो जाएगा और सर्किट ब्रेक होते ही करंट आगे नहीं पहुंच पाएगा और जो बाकी के जो बल्ब हैं बेटा हमारे ये ग्लो नहीं हो पाएंगे ठीक है ये नहीं जल पाएंगे तो इसका मतलब अगर ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज है तो इसका मतलब बेटा तीनों बल्ब कोई से भी नहीं जलेंगे तो नन ऑफ दिस बल्ब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द होल लेंथ ऑफ अकेल इज डिडेड इंटू फाइव हंड्रेड इक्वल पार्ट देन दैजरमेंट दट कैन बी मेजर्ड बाई स्ल इज एक मीटर स्केल है हमारे पास अगर हम उसके फाइव हंड्रेड पार्टस कर दें तो हम मिनिमम कौन सा इसमें लेके चलेंगे ठीक है गुड इवनिंग नवनीत तो देखो बेटा मीटर स्केल है हमारे पास जिसके हमने फाइव हंड्रेड पार्ट कर दें एज इज कनेक्टेड टू द सेम सर्किट टेस्टर द बल्ब इन द सर्किट लाइट्स अप वॉट कुड बी द रीजन क्या कर रहे हैं हम एक्स सर्किट में हैं बेटा पहले हमने एक टेस्टर ऑब्जेक्ट लगाया आर और देन लगाया हमने एस हेलो बच्चों आवाज आ रही है मेरी क्या मैं दिख रहा हूँ आपको तेजस नवनीत रिप्लाई दो बेटा क्या मैं दिख रहा हूँ आपको चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट करते हैं बेटा अ लाइट सेंसर है स्केल जीरो टू फाइव मटेरियल दैट ब्लॉक लाइट्स कंप्लीटली विल शो द लोएस्ट रीडिंग एंड वाइल दैट डू नॉट ब्लॉक लाइट Will show the तो हमारे पास एक है, जो क्या कर रहा है अब क्या कर रहा है आइडेंटिफाइडिंग शोन ऑन पीस ऑफ असपर एंड पेपर देखो ड्रेसिंग पेपर और सेंड पेपर पर हमें फाइन करनी है इसके की जो ये हमारे पास मीटर कर रहा है मेजर कर रहा है तो देखो ट्रेसिंग पेपर क्या होता है बेटा ट्रेसिंग पेपर हमारे पास होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब ये का कुछ लाइट को ट्रांसमिट होने देगा और कुछ लाइट को ये ब्लॉक करेगा ओके तो देखो आएगी आएगी बेटा इस आएगी आपके पास से के, के बीच में ठीक है अब हम बात करते हैं सैंड पेपर की तो बच्चों सैंड पेपर जो होता है वो पूरा ओपेक होता है मतलब वो अपने से कोई सी भी लाइट जो है वो ट्रांसमिट होने नहीं देगा मतलब उसकी रीडिंग कितनी आएगी बेटा इसकी रीडिंग आएगी जीरो तो देखते हैं सेकंड वाले कौन सी रीडिंग जीरो है देखो ये तो गलत हो गया बेटा यहाँ पे बेबी फॉल्स हो गया

एक सर्किट है बेटा जिसमें हमने दो टेस्टर यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एस एंड ऑब्जेक्ट आर जब हम ऑब्जेक्ट आर को लगाते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता बट हम जब ऑब्जेक्ट एस को लगाते हैं सेम सर्किट में तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है ठीक है अब से कौन सा ऑप्शन सही है हम देखेंगे यहाँ पे, तेजस ऑप्शन सी चलो बेटा देखते हैं ऑब्जेक्ट आर इज बैड कंडक्टर ऑफ यूटी तो बेटा फॉल्स हो गया यहाँ पे हीट का कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट एस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट ये भी बेटा फॉल्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट आर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखो ऑब्जेक्ट आर इज बेटा बट देखो यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट आर के लगाने पे तो मतलब ये गुड कंडक्टर कैसे होगा है ना ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट एस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन डी इज बेटा करेक्ट आंसर क्यों क्योंकि देखो यहां पे जब हम लगा रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है वो क्या कर रहा है ग्लो कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट जो एस है हमारा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ कार इज मूविंग ऑन द रोड थ्री पर्सन पी क्यू एंड आर आर शोन इन द फिगर एक कहा चल रही है बेटा और यहाँ पे हमें तीन पर्सन दिख रहे हैं पी ये देखो पी क्यू एंड आर

ऑप्शन नंबर सी इज अ बेटा करेक्ट ट्रांसलूसेंट ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ठीक है बच्चों समझ आया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन बिलो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबाव इलेक्ट्रिक सर्किट देखो अगर मैं सबसे पहले देखूँ तो ये क्या बेटा ये बैटरी है हमारी है ना दो सेल्स को एक साथ जोड़ रखा है तो ये क्या हुई हमारी ये होगी हमारी बैटरी अब देखो ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो स्विच ये तो फॉल्स हो गया डी फॉल्स हो गया अब बात करेंगे बी और सी की ठीक है एक्स हो गया हमारी बैटरी वाई क्या है बेटा की क्या है वाई वाई है हमारे पास यहाँ पे की तो देखो की किस में आ रहा है वाई आ रहा है स्विच में की ये देखो स्विच और जेड क्या है बेटा हमारा बल्ब है मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बी भी आपका फॉल्स होगा यहाँ पे है ना वाई सेल नहीं है यह बैटरी है ठीक तो है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा द फिगर ऑफ द गिवन ब्लो शोज अ मेजरिंग स्केल विच ऑफ द फोलोइंग स्केल बाईजिंग इट वंस ओनली हम वो मेजरमेंट नहीं कर सकते कौन सी लेंथ देखो बेटा हमारे पास स्केल किसमें दे रखा है हमें स्केल दे रखा है सेंटीमीटर में किसमें दे रखा है हमें स्केल ये हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है और नीचे जो हमारे पास रीडिंग से ये किसमें दे रखी है बेटा मीटर में दे रखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे इन सब रीडिंग्स को हम किसमें करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि फिजिक्स पोर्शन इज वेरी इजी हाँ तेजस काफी इजी था फिजिक्स पोर्शन अपना देखो जीरो पॉइंट वन मीटर को बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे बेटा इसको भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे बेटा है ना तो देखो जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऑप्शन जो सी है हमारे पास ये हमें मिलेगा ट्वेंटी सेंटीमीटर और स्केल की मैक्स टू मैक्स रीडिंग कितनी है बेटा फिफ्टीन सेंटीमीटर तो मतलब हम 20 सेंटीमीटर एक बार यूज करने पे इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स चेंज विथ टाइम बिल्कुल बेटा जो शेडो होती है वो टाइम के साथ आपकी चेंज होती है Which of the 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 following shadow represent that girl is is standing when the sun over over here the head over her the head देखो जब सन हमारे जस्ट ऊपर होगा हेड पर होता है तो जो हमारी शेडो होती है बेटा वो एकदम हमारे नीचे नीचे बनती है है तो देखो बन रही ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक सर्किट डाइग्राम शोन बिलो वाई ओनली फर्स्ट एंड थर्ड बल्ब लाइट अप सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड बल्ब लाइट बेटा तीन दे रखे हमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केवल फर्स्ट एंड सेकेंड बल्ब भी क्यों लाइट हो रहे हैं थर्ड क्यों नहीं हो रहा है ना तो देखते हैं ऑब्जेक्ट पी इज ए इंसुलेटर ऑब्जेक्ट अच्छा एक बात बताओ अगर यहाँ से बेटा करंट फ्लो होगा तो कौन सा बल्ब नहीं जलेगा ये वाला बल्ब हमारा नहीं जल रहा है ना ये वाला बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा जल नहीं रहा मतलब यहाँ पे सर्किट में करंट पूरा नहीं हो रहा है ना तो देखो अगर हम देखें तो इसका मतलब आर क्या होगा आपका ये आपका होगा इंसुलेटर देखो करंट यहां से फ्लो हो रहा है अगर यहां तक फ्लो हुआ यहां से कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा तो अगर ये वाला जो पार्ट है ये बेटा यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा तो इसका मतलब सर्किट पूरा नहीं कर रहा आपका ठीक है अगर कुछ करंट यहां से भी जाएगा तो इधर तो आएगा बट इधर जाके वापस यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि क्या है आपका इंसुलेटर है मतलब जो बल्ब है थर्ड है हमारा वो ग्लो नहीं करेगा तो मतलब देखो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपका कौन सा होगा कंडक्टर होगा और जो थर्ड होगा बल्ब आपका वो कौन सा होगा बेटा इंसुलेटर होगा तो ऑप्शन कौन सा सही देखो. Conductor, conductor आप, आप, है देखो कंडक्टर कंडक्टर एंड इंसुलेटर यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है बेटा ऑप्शन पी भी ऑब्जेक्ट पी आपका कंडक्टर है ऑब्जेक्ट क्यू आपका कंडक्टर है एंड ऑब्जेक्ट आर इज इंसुलेटर ठीक है बच्चों समझ में आया आपको तो बच्चों आपको जो नेक्स्ट केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आप अब सोल्व करेंगे ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज इबाद आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी चलिए बच्चों केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करते हैं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि आपको फोर रबर्स दिए हुए हैं बेटा जो कि कैसे हैं आइडेंटिकल हैं चारों रबर्स दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं ठीक है और आपको उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ पे जो है एक सेटअप दिया हुआ है आपको जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो रही है और यहाँ पर एक वेट लगाया गया है फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए ओके तो अब यहाँ पे देखना ये है कि कौन सा रबर जो है वो ज्यादा स्ट्रेच होता है ओके नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है देखिए यहाँ पे रबर वन में फिफ्टीन सेंटीमीटर दिया हुआ है इस तरीके से यहाँ पे चारों रबर्स के लिए अलग अलग सेंटीमीटर में वैल्यू लेंथ दी हुई है ठीक है तो यहाँ पे देखिए एटीन सेंटीमीटर सबसे ज्यादा लेंथ आ रही है इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा रबर स्ट्रेच हो रहा है

कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं ओके ठीक है बच्चों तो बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ओके okay? देखते हैं आंसर क्या होगा देखिए वो बोल रहा है कि अगर वाटर की बात करें है ना ये बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन प्रोसेसेस अब्सॉर्ब हीट किसमें हीट अब्सॉर्ब होगी ओके okay? वाटर के केस में तो यहां पे किसमें हीट अब्सॉर्ब होगी देखिए कंडेंसेशन में तो हीट रिलीज होगी अब्सॉर्ब किसमें होगी में और मेल्टिंग में तो सी इज द राइट आंसर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें आपको दो फिगर दिए हुए हैं फिगर फिगर एंड ठीक है पे आपको क्लाउड जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्लाउड ही है और यहाँ पे ये यह स्ट्रीम की वजह से क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ओके okay? तो आपको सिमिलैरिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों में दोनों क्लाउड्स में क्या सिमिलैरिटी है ठीक है

एक लेना है आपको सैंड ठीक है और दूसरा क्या लेना है आपको पेक्स पेपर लेना है, है? ठीक अब वो बोल रहा है कि फ्लोट होंगे नहीं होंगे में, में फ्लोट होगी।, होगी सैंड नहीं बिल्कुल नहीं होगी तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा ठीक है क्या सैंड स्मूथ होती है नहीं रफ होती है इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा वाटर में होती है, नहीं सोल्यूबल नहीं होती है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा ठीक तो है, जो है, वो अपेक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी ये रहा आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक बहुत ही ठंडे पानी का आइस वाला ग्लास टेबल पे रखा हुआ है ठीक है और वो रूम टेम्परेचर पे आपने उसको छोड़ दिया ठीक है अब वहां पे क्या हो रहा है कि ग्लास की जो सरफेस है वहां पे छोटी छोटी पानी की बूंदे बन गई हैं इसका मतलब वो किसकी वजह से हुआ है इवेपोरेशन से तो होगा नहीं ठीक है वाटर जो है वो गिलास में से गिरेगा भी नहीं यानी कि उसकी बूंदे जो है मान लीजिए कहीं ये गिलास है ठीक है ये आपका ग्लास है और यहाँ पे पानी के साथ साथ उसमें आइस क्यूब्स भी है तो क्या ये अपने आप फिसल के गिरेगा नहीं गिरेगा ठीक है तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इवेपोरेशन e इसमें नहीं हो रहा है तो इवेपोरेशन e भी गलत हो जाएगा राइट right आंसर क्या है कंडेंसेशन कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो है वो वहां पे आपको ग्लास के अराउंड ऐसे छोटी-छोटी सी ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं हैं नंबर इसमें आपको कुछ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे जिसमें देखना है कि फिजिकल स्टेट होनी चाहिए और वो जो रिवर्सिबल भी है कि फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल ओके तो, तो, तो आपका फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है

क्योंकि हम थर्ड को तो ले ही नहीं रहे इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वेपराइजेशन ऑफ सी वाटर ये वाला भी क्या है फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज है क्लियर है बच्चों इसका आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स लिक्विड है और एक्स लिक्विड को जब आप वाई लिक्विड में मिक्स करते हो तो वो पार्टली सॉल्युबल होता है यानी कि पूरी तरीके से नहीं घुलता है ठीक है मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका कितना है 5 ml है ठीक है और ये भी कितना है बच्चों ये भी आपका 5 ml है ठीक है अब इस 5 ml को जब आप इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे तो उतना का उतना ही है यानी कि यहाँ पे तो 5 ml ही है इसका मतलब इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया ठीक है अगर कोई सब्सटेंस मिसिबल होता है ना तब तो यहाँ पे 5 ml ही रह जाता ठीक है पूरा ही घुल जाता ना वो तब तो क्या हो जाता आपका ए ऑप्शन हो जाता लेकिन पूरा नहीं घुल रहा है थोड़ा सा बढ़ रहा है देखिए अगर आप 5 ml प्लस 5 ml करते ठीक है तो यहाँ पे 10 ml हो जाता है ना ये किसके लिए होता है सी ऑप्शन के लिए होता और ये कब होता जब दोनों ही लिक्विड इमिसिबल होते दोनों ही नहीं घुलते दोनों की लेयर अलग अलग बन जाती तब आपका सी होता लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या था कि जो एक्स है वो वाई में पार्टली यानी कि पार्शली डिजोल्व हो रहा था इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही है और डी वाले में तो बहुत ज्यादा ही लेवल दिया हुआ है बहुत ज्यादा ही एड किया हुआ है यानी कि यहाँ पे तो लगभग 15 ml के अराउंड दिया हुआ है तो ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है ठीक है तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट देखते हैं फोर्टी थ्री में वाटर साइकिल दे रखी बच्चो, होता है बच्चों तो जब वॉटर वो क्लाउड बनाता है ठीक ठीक है है क्लाउड बनाता है अब देखिए नेक्स्ट जो क्लाउड्स बन रहा है देखिए यहां पे क्या बन रहे हैं क्लाउड्स बन रहे अब क्लाउड से क्या आएगी या तो रेन या तो बारिश गिरेगी या फिर स्नो ठीक है या तो बर्फ गिर सकती है या फिर बारिश गिर सकती है तो जे तो आपका क्लाउड हो जाएगा और के क्या हो जाएगा रेन या फिर स्नो हो जाएगा तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं ये question बहुत ही अच्छा है देखिए आपको यहाँ पे चार सॉल्यूशन दे रखे हैं यानी कि आपके पास चार पाउडर है अलग अलग ग्लास में आप ये पाउडर्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हो तो क्या पानी में चौक पाउडर घुलेगा नहीं घुलेगा वो उसमें सेटल डाउन हो जाएगा तो ये तो आपका घुल नहीं रहा है ठीक है नहीं हो रहा है। चार कोल कोल भी आपका नहीं नहीं होगा। होगा। क्या आपका घुल जाएगा? घुलेगा घुलेगा। पर पूरी तरीके से नहीं सबसे ज्यादा डिजोल्व कौन होगा आपका डिटर्जेंट तो डी इज द राइट आंसर ओके लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कोई मटेरियल है मटेरियल अगर प्लास्टिक है

ट मतलब क्या है तो ये दोनों चीजें आपकी प्लास्टिक की हो सकती है ठीक है यानी कि ये प्लास्टिक हो सकता है है ठीक अब नेक्स्ट में आपको क्या देखना था कि अगर ये प्लास्टिक नहीं होता तो फिर क्या होता तो फिर वो वुड यानी कि लकड़ी होती अब देखिए शर्ट तो लकड़ी की हो नहीं सकती ना इसलिए टूथपिक सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट आपको मेटल देखना था तो यहाँ पे सेफ्टी पिन मेटल हो सकता है चेन भी मेटल हो सकती है दोनों ही मेटल हो सकते हैं ये आपका वुड हो सकता है ये नहीं हो सकता ठीक है तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अगर ये तीनों ही नहीं होंगे तो फिर आपका यहाँ पे ये हैंग किया जाएगा ठीक है तो बच्चों ये आपकी केमिस्ट्री क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस आपको देवतिमा मैम करवाएंगी थैंक यू सो so मच हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ ज्योतिमा डोई आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तो अब हम बायो के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं ठीक है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे है roots, है पैरासिटिक रूट्स रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सकिंग ठीक व्हाट कैन बी इन्फर्ड टू सच रूट्स तो हमें सकिंग रूट्स के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही होगा ऑप्शन ए है दे हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सकिंग रूट्स क्या फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की नहीं तो ये ऑप्शन रॉन्ग है देन दीज रूट एटमोस्फेरिक एयर नहीं ये अटमॉसफेरिक एयर भी absorb नहीं कर सकती देन दे प्रोट्रूड इन टू द होस्ट प्लांट फॉर एबजॉर्ब न्यूट्रिय बिल्कुल सही काम है ठीक है दे विल प्रोट्रूड इन टू द होस्ट प्लांट इसीलिए हम पैरासिटिक रूट कह रहे हैं सकिंग रूट कह रहे हैं ठीक है तो आंसर क्या होगा आंसर सी ओके हेलो प्रत्युष हेलो हेलो तेजस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वरुण इज हिज स्कूल्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर एंड ही इज एडवाइज टू ईट फूड स्टफ विच गिव एनर्जी यानी ऐसा फूड स्टफ जिससे उसे एनर्जी मिलेगी तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है क्या होना चाहिए वाइटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन या फाइबर्स हम जानते हैं कि ऐसा माइक्रोन्यूट्रिय जो की हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट है ना तो आंसर क्या होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट तो आंसर क्या होगा बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय यानी कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे मलेरिया न फैले तो हम देख लेते हैं स्प्रेइंग ऑयल ऑयल ऑन द ऑफ वाटर वाटर बिल्कुल सही अगर को वाटर की पे स्प्रे कर दिया जाएगा इससे क्या होगा ओटू लेवल जो मतलब ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाएगा वाटर में ठीक है ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा लार्वा ग्रो नहीं कर पाएंगे दे विल डाई तो इससे भी मस्किटो लार्वा प्रिवेंट होंगे एंड मलेरिया प्रिवेंट होगा ठीक है तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हमें सही लग रहा है ठीक है देन फूड रेसिड रबिश बिन नहीं इससे प्रिवेंट होगा नहीं इससे तो और कॉज होगा राइट क्योंकि जितना ज्यादा जितना उससे ऐसा ऑर्गेनिक मटीरियल मिलेगा आ, जो मस्कीटो लार्वे होंगे वो उस परिवेल करेंगे ठीक तो तो है तो ये ऑप्शन रॉन्ग है देन रियोरिंग फिश इन पॉन्स बिल्कुल सही है ये ऑप्शन क्योंकि ऐसी मस्कीटो लार्वा पे फीड करने वाली बहुत सी फिश होती है ठीक है जैसे की फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बता सकते हैं एक गेम्बूसिया फिश होती है ठीक है एंड एक फिश होती है ये दोनों फिशेस क्या होती हैं ये दोनों ही फिशेस मस्कीटो लार्वा पे फीड करती हैं जिसकी वजह से मस्कीटो लार्वा खत्म हो जाएंगे तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही है तो बस अब हमारे पास वन एंड थ्री ऑप्शन सही है जो कि मलेरिया को प्रिवेंट करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं वन एंड थर्ड ओनली ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए वेरी गुड प्रत्युष वेरी गुड तेजस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

स्नेक का स्नेक का क्या बच्चा अब हमारे पास यहाँ पे स्केल्स तो हम यहाँ पे लिख देंगे थ्री अब हमें क्या करना है बच्चों सिंपली ये मैच करना है पैटर्न राइट तो टू वन फोर एंड थ्री तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टू वन फोर एंड थ्री का है, यहाँ पे है टू वन फोर एंड थ्री ऑप्शन नंबर बी में तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हैंड बैग एक्सीडेंटली केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ फायर रिलीजिंग अ स्ट्रॉग ऑर्डर ऑफ बर्निंग पेपर तो कौन सी ऑर्डर मिल रही है बर्निंग पेपर की द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग द बैग मस्ट कम फ्रॉम अब हमें बताना है फाइबर कौन सा होगा कुकून ऑफ सिल्कवास स्किन ऑफ एनिमल, ऑफ शीप या फिर बॉल्स एंड फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर के तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों क्या है तीनों ही एनिमल फाइबर्स है एनिमल प्रोडक्ट्स हैं यानी किससे बने होंगे एनिमल प्रोटीन से राइट अब क्योंकि एनिमल प्रोटीन से बने हुए हैं तो दे दे देर बर्न ऑफ बर्निंग हेयर तो इसमें से स्मेल कौन सी आएगी बर्निंग हेयर की ठीक है तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट फाइबर है यहां पे विल गिव द स्मेल लाइक बर्निंग पेपर तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑप्शन कंटेन फूड ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट यानी स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा है यहाँ पे वो देखना है हमें ठीक है जिंजर स्टेम मॉडिफिकेशन है पोटेटो स्टेम मॉडिफिकेशन है टर्मरिक स्टेम मॉडिफिकेशन है तो हमें यहीं पे आंसर मिल गया ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है ठीक है क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो टर्निप एंड कैरेट आ रहा है ये दोनों क्या है ये रूट है अनियन स्टेम मॉडिफिकेशन है देन ब्रोकली क्या है फ्लावरबर्ड मॉडिफिकेशन है एंड यहाँ पे रेडिश रूट मॉडिफिकेशन है तो हमसे क्या पूछा गया है जहाँ पे सिर्फ स्टेम है स्टेम मॉडिफिकेशन वो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

तो यहाँ पे कोरिएंडर प्लांट मस्टर्ड प्लांट वीट प्लांट लेमन प्लांट यानी कि कोरिएंडर वीट एंड मस्टर्ड ये तीनों ही क्या है तीनों ही हर्ब्स हैं है ना तीनों ही हर्ब्स हैं ठीक है सिर्फ लेमन प्लांट यहाँ पे है जो कि एक श्रब है लेमन प्लांट क्या होता है बच्चों श्रब होता है है ना तो हमारे हमसे यहाँ पे पूछा है नॉट अ हर्ब तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेनफुल बोन्स बोर्ड लेग्स एंड थिकेंड रिस्ट आर अ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज एक्स तो हमें यहाँ पे सिम्टम्स क्या दिए हुए हैं पेनफुल बोन्स बोर्ड लेग एंड थिक्ड रिस्क तो ये किसकी डेफिशिएंसी की, की वजह से होंगे वो हमको बताना है कौन सी डिजीज है ये है ना पेलाग्रा या रिकेट्स अब वजह से होता है बेटा मैक्रोन्यूट्रिय डेफिशिय की वजह से यानी कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन सबकी डेफिशियंसी से है ना और उसका सिम्टम क्या होता है वेट लॉस स्टंटेड ग्रोथ ये सब तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा देन क्वियोरकर किसकी डेफिशिएंसी से होता है प्रोटीन है ना और इसका मेजर सिम्टम हम देखते हैं है तो, हाँ है, तो ये भी नहीं हो सकता ठीक पेलाग्रा, पेलाग्रा है सिम्टम्स की की क्या होते हैं डायरिया डिमेंशन एवरीथिंग तो ये ऑप्शन भी गलत है तो पेलाग्रा इज ऑल्सो रॉन्ग ठीक है तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है किसकी वजह से होते हैं बच्चों वाइटमिन डी की डेफिशियंसी से है ना एंड इसी में ये सिम्टम देखे जाते हैं बोर्ड लेग्स बोर्ड लेग्स मतलब लेग्स तो इस तरीके से होते हैं ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे एक्स कंज्यूम्स डेड एनिमल्स वेर इज वाई ब्रेक्स डाउन दिमेन्स ऑफ एनिमल्स एक्स इज कंज्यूमिंग डेड एनिमल्स तो ये क्या होगा एक्स क्या होना चाहिए स्केवेंजर ठीक है तो हमें यहाँ पे स्केवेंजर आइडेंटिफाई करना है देन

ऑप्शन सी में क्या है हुक्वर्म एंड टेपवर्म वर्म टेपवर्म दोनों ही पैरासाइट्स होते हैं ठीक है दोनों में से कोई भी स्केवेंजर नहीं है एंड देन यहाँ पे बैक्टीरिया और यहाँ पे वल्चर वल्चर डिकम्पोजर होती है क्या नहीं ना बेटा वल्चर तो स्केवेंजर होती है तो यहाँ उल्टा दे दिया तो सी ऑप्शन भी रॉन्गे डी ऑप्शन भी रॉन्गे तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया ऑप्शन बी ठीक है विद दिस वी फिनिश आर बायोलॉजी क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच एंड अब नेक्स्ट सेक्शन जो की है मैथ का सेक्शन वो आपको रंजीत सर करवाएंगे ओके थैंक यू एवरी हेलो एवरीवान दिस इज रंजीत सिंह जादौन एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेक अ मैट सेशन ऑफ योर्स सो आई जस्ट गिव द डिस्कशन और सोल्यूशन ऑफ योर मैट क्वेश्चन सो लेट स्टार्टर योर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन चूज द वैन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट एथलीट्स स्प्रिंटर्स एंड मैराथन रनर्स सो गाइज आप लोग सब जानते हैं वैन डायग्राम हम कैसे रिप्रजेंट करते हैं ये आपके पास चार ऑप्शन हैं अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो एथलीट्स हैं उसमें हमारे पास स्प्रिंटर्स भी आते हैं मैराथन रनर्स भी आते हैं बट आपके स्पेंटर्स होते क्या हैं स्प्रिंटर्स होते क्या हैं बेसिकली वो होते क्या हैं जो शॉर्ट रनर्स होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये मैराथन रनर्स नहीं हो सकते या मैराथन रनर्स भी हो सकते हैं तो अगर आप देखें ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए में अगर मैं बोलूं कि ये सारे के सारे एथलीट्स हैं तो उसके अंदर स्प्रिंटर्स भी आ रहे हैं और आपके मैराथन रनर्स भी आ रहे हैं तो इसका ये वाला जो पार्ट है आपका ये स्प्रिंटर्स और मैराथन का हम कॉमन ले सकते हैं तो इसका बेस्ट ऑप्शन मुझे पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है एंड दैट्स योर ऑप्शन में ए तो आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट सो गाइज गो विद द नेक्स्ट वन योर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन सेवन पर्सन पवन रानी रमेश सुरेश टॉनी उमेश एंड वाली आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग अस रमेश एंड सुरेश sit next to each other and there must be exactly four persons between Rani and Wali. suresh sits to the immediate left of Wali. If Rani sits at one extreme, then who is at the other extreme? So guys, अगर आप यहां पे ध्यान लेंगे तो हमारे पास total लगे सात लोग हैं और सात लोगों को अगर हम represent करें तो just like this one. गैस so हमने अगर सेवन लोगों को यहां पे सिटिंग अरेंजमेंट दिया है वैसे बेसिकली दो केसेस बन सकते हैं मैं आपके लिए यहां पे दो केसेस एक साथ बना रहा हूं तो so गाइज देखिए, सबसे मेन चीज यहां पर बोला गया, -गया रानी सिट्स एट वन एक्सट्रीम तो रानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इधर ही बैठ सकती है वो इधर भी आ सकती है अब हम पढ़ते हैं कि हमें सात लोगों को बिठाना है तो रमेश सुरेश सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर तो रमेश और सुरेश एक साथ बैठेंगे इमीडिएटली तो गाइज ये जरूरी नहीं है कि रमेश के आगे सुरेश बैठे हो सकता है सुरेश के आगे रमेश बैठे तो मे बी पॉसिबल तो हमारे पास दो ऑप्शन है सुरेश एंड रमेश तो ये दो ऑप्शन हमारे पास बनते हैं इसके अलावा क्या बोला गया है देयर मस्ट बी एग्जैक्टली फोर पर्सन बिटवीन रानी एंड वाली तो रानी और वाली के बीच में कितने लोग बैठने वाले चार एग्जैक्टली लोग बैठने वाले तो गाइज अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं रानी और वाली के बीच में कितने लोग बैठाऊंगा एक दो तीन चार चार लोग बैठने वाले अब गाइज हमारे पास देखा जाए तो दो केसेस हैं एक ये वाला केस ये फर्स्ट केस है हमारा और दूसरा केस ये है इसके अलावा एक चीज बोली गई है सुरेश सिक्स टू द इमीडिएट लेफ्ट टू वाली मतलब सुरेश वाली के लेफ्ट में बैठा है मतलब एस वी एक तरीके से ये देखा जाए तो तो गाइज अगर ये तीनों चार ऑप्शंस को देख के अगर हम इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कैसे होगा जरा देखते हैं अगर रानी यहाँ है और अगर मैं इस केस के हिसाब से चलता हूँ तो रानी के हिसाब से एक दो तीन चार तो वाली हमें यहाँ मिलना चाहिए ठीक है एक तो ऑप्शन ये या फिर अगर हमें वाली को इधर बिठाना है इस हिसाब से तो वन टू थ्री फोर फाइव तो वाली हमें यहां मिलेगा इज इट ओके नाउ लिसन रमेश और सुरेश साथ में हैं तो रमेश और सुरेश का है साथ में बट यहां पर सुरेश किसके साथ बैठा है वाली के लेफ्ट में बैठा है कहां बैठा है वाली के लेफ्ट में तो रमेश सॉरी तो सुरेश आपका वाली के लेफ्ट में बैठा है सपोज ये सुरेश है सो तो अगर सुरेश को मैं यहां बैठा देता तो अब यहां पर देखा जाए तो रमेश सुरेश के साथ बैठा है तो यहां पर रमेश आ जाएगा अब प्रॉब्लम यह है कि हमें एक्सट्रीम पॉइंट पर कोई बंदा मिल नहीं रहा कि हम कैसे डिसाइड करें कि लास्ट में कौन बैठा है एक्सट्रीम पॉइंट के एंड में कौन बैठा है तो हमारे पास डेटा इनएड्युक्ट है डेटा अपर्याप्त है तो इस केस में हमारा आंसर होगा गिव इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट गेटिंग इट आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट ओके गाइस

हर कार्ड पे दो दो नंबर्स है अगर मैं इन सारे के सारे अगर मैं इन सारे नंबरों को दस मिनट गाइस अगर मैं इन सारे नंबरों को एडअप करता हूं तो मुझे क्या मिलता है प्लस सी प्लस करके देखते हैं नाइन प्लस थ्री ट्वेल ट्वेल प्लस एट ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू समर्टी टू अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो फाइव सिक्स सेवन सेवन और फाइव ट्वेल्व ट्वेल्व और फोर सिक्सटीन सिक्सटीन और सिक्स ट्वेंटी टू एंड एट कितना हो रहा हमारे पास 30. तो थर्टीज अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम हमें नियर बाय मिल रहा है थर्टी और थर्टी और थर्टी टू आ अब यहां पर यह क्वेश्चन ये है कि अब मैं इनमें से कौन सा कार्ड स्विच करूं कि ये अप वाला डाउन चला जाए और डाउन वाला अप चला जाए जिसके वजह से इन दोनों का सम सेम आ जाए तो गाइज देखने में देखा जाए तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है इसका मतलब हमें ज्यादा बड़ा नंबर स्विच नहीं करना है जिसके बीच का डिफरेंस ज्यादा हो गेटिंग यूट वॉट एम से इस केस में हम लोग अपने ऑप्शन पे जाएंगे क्यू अगर मैं क्यू ऑप्शन देखता हूँ थ्री फोर या फिर मैं एस ऑप्शन को देखता हूँ सिक्स फाइव अगर गाइज हम इसको स्विच करते हैं तो अगर ये फोर हो जाता और ये थ्री हो जाता तो गाइज इस केस पे क्या होता हमारे पास कि नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा हमारे पास थर्टीन थर्टीन और सिक्स कितना हो जाएगा नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 एट थर्टी थर्टी थ्री हो जाएगा ये और ये कितना हो जाएगा वन थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स और फोर टेन फिफ्टीन फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एट ट्वेंटी गाइज फायदा नहीं है इसका मतलब

कितना हो जाएगा आपके पास सेवनटीन सेवनटीन और एट और सिक्स इसको भी करेंगे आप ऐड तो आंसर आएगा थर्टी वन तो गाइज टोटल थर्टी वन आ रहा है इसका मतलब इन दोनों केस में हमारा काम चल रहा है तो so, कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिक्स और फाइव इसका मतलब हमारे पास एस वाला ऑप्शन दैट्स योर बेस्ट ऑप्शन गेटिंग इट आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट ओके गाइस लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन ओके गाइस रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस स्टेटमेंट वन रेवांत guys, बोर्न इन कह रहा है कि गेवान्त जो है उसकी बोर्निंग क्या है 2001 की है राकेश इज थ्री इयर्स यंग टू रेवात हु इज ट्वेंटी ईयर ओल्ड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू नो इन विच ईयर राकेश वॉज बॉर्न तो गाइज यहां पर आपके पास स्टेटमेंट वन जो आपका पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट इज इनफ सेकेंड इज इनफ नाई द वन नॉर सेकेंड एंड थर्ड वन फोर्थ वन इज योर स्टेटमेंट वन एंड टू आर नेसेसरली नीडेड अब इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए हमें ये चेकआउट करना है तो कल देखिए अगर हमें ये पता है कि रेवनाथ रेवान सॉरी 2001 में पैदा हुआ है बॉर्न हुआ है तो उस हिसाब से अगर देखें तो क्या राकेश का मैं ईयर पता कर सकता हूं क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है कि राकेश जो है वो रेवनाथ से तीन साल छोटा है जबकि रेवनाथ बीस साल बड़ा है आज के टाइम पे तो क्या अगर मैं बीस साल उसकी एज है दो से दो तक चला जाएगा वो 2021 से अगर तीन साल में कम कर हूँ तो डेफिनेटली मुझे राकेश की एज पता लग रही है इसका मतलब मेरे लिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट नेसेसरली नीडेड है इसके बिना मैं अपना आंसर नहीं दे सकता तो इस केस में मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या मिलेगा डी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंडली आर नेसेसरली नीडेड आई थिंक टिंग माई पॉइंट ओके गाइज सो लेट्स गो विदेक्ट दिसिंग पीसिस साफ बहुत ही ईजी क्वेश्चन है साफ दिख रहा है हमें कि इसमें क्या हो रहा है? कि जो ये पहला वाला पार्ट है और जो ये तीसरा वाला पार्ट है वो सेम आ रहा है इसका दूसरा वाला पार्ट इसका चौथा वाला पार्ट सेम आ रहा है लगभग लगभग लग, लग. देखा जाए तो जिक -जाग, जिक -जाग चल रहा है यहाँ पे ये हॉरिजोंटल ये वर्टिकल तो डेफिनेटली इसके नीचे जो बनेगा वो हॉरिजोंटल आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए वर्टिकल आई थिंक गेटिंग पॉइंट यहाँ क्रॉस है यहां इक्वल टू है तो यहां पे भी क्या आना चाहिए क्रॉस अब इस जैसा ऑप्शन हमें कहा मिल रहा है ये हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे ये सारे इजी क्वेश्चन थे दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे सो अब आपको मैथ्स के लिए प्रियंका मैम पढ़ाने बताने आएंगी तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन हेलो स्टूडेंट्स तो चलिए ओपन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप तब तक सॉल्व कर चुके हैं ठीक है हेलो तेजस हेलो प्रत्युष हाउ आर यू तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन है आपको यहाँ पर क्या करना है आपको नंबर्स बताने इंटीजर बताने बिटवीन टू एंड टू और इसमें एक स्पेशल बात आपके लिए कही गई है दैट कि जो आप ये इनका ऑर्डर लिखेंगे आप तो इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो देखो सबसे पहले मुझे बताइए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टू क्लियर क्या टू के बाद में वापस यूज कर सकती हूँ नहीं क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो नेक्स्ट बनेगा टू थ्री फोर फाइव क्लियर क्योंकि ऑर्डर हमें इंक्रीजिंग रखना है फिर इसके बाद देखो टू वापस में मैंने थ्री लिया अब फोर फाइव है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ फोर सिक्स इसके बाद क्या बन जाएगा टू थ्री फोर सेवन टू थ्री फोर एट टू थ्री फोर नाइन क्या मैं टू थ्री फोर इसके बाद फाइव जीरो कर दू क्या नहीं देखो टू थ्री फाइव जीरो दे हुए क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा अब इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करें यहाँ पर अपन ने टू थ्री लिया है यहाँ पे फोर लिया था अब मैं यहाँ पे फाइव ले लू फाइव के बाद क्या जाएगा सिक्स तो टू थ्री फाइव यहाँ पे सिक्स था तो सेवन टू थ्री फाइव एट टू थ्री फाइव नाइन आगे हमें नहीं जाना तक हमें जीरो लिया, लिया, ले ले, नहीं होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर टू थ्री सिक्स के बाद सेवन ले लू सेवन के बाद देखो एट आएगा एट से पहले एट से छोटा नंबर नहीं आ सकता है फिर टू थ्री सेवन एट के बाद क्या जाएगा सेवन नाइन क्लियर अब सेवन सेवन भी नहीं लिखना है क्योंकि हमें कंडीशन दी है कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए क्लियर अब इसके बाद क्या जाएगा टू थ्री एट नाइन क्लियर नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखेंगे मैम लिखेगा नाइन के बाद मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नाइन से ग्रेटर हो तो यह हमारा काम नहीं हो सकता नेक्स्ट अगर मैं लिखूं तो टू फोर फोर के बाद क्या जाएगा फाइव सिक्स बट हमें क्या कहा गया है इससे छोटे नंबर लिखने काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमें क्या करना है स्मार्टली वर्क करना है हमेशा आपसे मैं यही कहती हूँ कि जब भी क्वेश्चन करें स्मार्टली करना है देखो क्या करें अगर मैं ये वाली टर्म और इस टर्म को मैं साथ में ऐड कर ऐड करने का मतलब अब एड या सपरेट जो भी होता है अकॉर्डिंग टू द साइन तो मेरे पास नंबर बन जाएगा वन बाय फोर क्लियर यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में थ्री है यहाँ भी डिनोमिनेटर में थ्री है तो अगर मैं इन दोनों को आपस में एड या सपरेट कर दू तो नंबर क्या बन जाएगा माइनस थ्री बाय थ्री विच इज इक्वल टू वन सो क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस वन हेलो हेमंत हेलो अंजलि कैसे बेटा आप ठीक है तो ये अपन ने लिख लिया टू बाय थ्री एंड वन बाय थ्री तो कितना हो जाएगा देखो थ्री बाय थ्री विच इज इक्वल टू वन क्लियर तो ये हो जाएगा अपने पास वन बट नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों डिजिट नेगेटिव है सिमिलरली इन दोनों को अगर आप वापस ऐड करें देखो डबल टिक मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके तो ये क्या बन जाएगा फाइव अपॉन फाइव इट्स मीन वन प्लस वन डिवाइड बाय सेम थिंग यहां पर अपन अप्लाई करेंगे देखो इन दोनों को किया प्लस वन इन दोनों को करेंगे माइनस वन और इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा प्लस वन फोर सो ये माइनस वन प्लस वन बना तो कितना क्वेश्चन so, right okay? अच्छा है आपको यहाँ पे दिया है, ये 100 है. जैसे आपने सुना आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पे साइड दी होती तो सेंटीमीटर मीटर की फॉर्म में हमें गिवन होता

जब इसका एरिया मुझे 180 गिवन है तो मैं मुझे क्या आइडिया है कि यार ये 10 है तो इसकी जो लेंथ है वो 18 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हो जाएगी 18 है और ये 10 है तो 18 और 10 मल्टीप्लाई होकर वन एट्टी बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा सो अकॉर्डिंग टू दस इट इज ऑप्शन सी अच्छा ऑप्शन सी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए राइट right था इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा कैसे होगा चलिए अपन देखते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये पूरी जो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं टेन प्लस 18, पूरी डिस्टेंस ये यहां से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी बट मुझे ओनली शेडेड पार्ट के बारे में बात करनी है तो 28 -5 23. अगर मैं इस रेक्टेंगल के लिए बात करूं तो इसकी लेंथ हो जाएगी ट्वेंटी थ्री और ब्रेथ हो जाएगी फाइव तो ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई फाइव कितना हो जाएगा वन वन फाइव सो वन वन फाइव कहां नजर आ रहा है अब क्या है सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको क्या गिवन है दैट एक फ्रूट वेंडर है means जो fruits को सेल करते हैं उनके पास फोर हंड्रेड एपल्स है वो इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कितनी ज्यादा वो बास्केट्स ले सकते हैं कि दोनों में इक्वल क्वांटिटी उनके पास हो कभी तो भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि मिनिमम के बारे में दिया है क्लियर या कहीं भी आपको कि मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट अगर वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें ये ये अरेंज फाइंड आउट करना होगा कि कितने फ्रूट वो अरेंज कर सकते हैं ये हम पता है अच्छे से क्या मैं दोनों का कॉमन ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक में कितने आ जाएंगे तो जैसे अपन दोनों का कॉमन कॉमन का मीन क्या होता है देखो उनका एच सी ए फाइंड आउट कर लो तो इन दोनों का अगर आप एच सी एफ फाइंड आउट करोगे तो वो हो जाएगा 15 ठीक है एच सी ए फाइंड आउट करना सभी को आता है दोनों के सेपरेट अपन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे एंड देन एच सी ए फाइंड आउट कर लेंगे सो ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके चलिए दर रिजल्ट ओफ अब यहाँ भी एक क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है आपको क्या करना है यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है ध्यान से देखो ये क्या फॉर्म हो रहा है 3.21 क्यूब माइनस 0.21 क्यूब अपॉन ये कितना हो जाएगा 3.21 स्क्वायर प्लस 3.21 मल्टीप्लाई 0.21 प्लस जीरो पॉइंट ट्वेंटी वन होल स्क्वायर तो क्या माइनस बी क्यूब नहीं फॉर्म हो, हो रहा है और ये क्या प्लस बी स्क्तूला है फॉर्मूला तो हम जानते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये वाला पार्ट आप देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम है ये पूरा का पूरा पार्ट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा Remaining क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स दो आपको प्राइम नंबर्स गिवन है प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं देखो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे एक क्वेश्चन में डाउट हो सकता है बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व किया जो अपन ने पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना अगर मैं आपसे कहूँ की हाइएस्ट के बारे में बात कर रहा है तो आपको एच निकालना है क्लियर अगर लोएस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको एलसीएम निकालना है बट क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए आपको कहा गया है कि जो नंबर है बास्केट वो होनी चाहिए मिनिमम तो उसके अंदर जो आप फ्रूट्स रखेंगे वो कैसे होने चाहिए भाई बास्केट आपकी मिनिमम कब होगी जब बास्केट जो बास्केट के अंदर जो फ्रूट्स है वो मैक्सिमम हो जाएंगे तभी आपकी बास्केट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो मैक्सिमम कितने फ्रूट आप फ्रूट्स आप रख सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है उसका एच सी फाइंड आउट करना है क्लियर तो दो अलग अलग बातें इनमें कंफ्यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं होना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इनका आपको फैक्टर फाइंड आउट करने तो देखो टू जीरो इसके दो फैक्टर होंगे अपने पास 43 एंड 47 फोर्टी थ्री अब ये कैसे पता चला देखो पहली बात तो ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं बहुत अजीब बहुत ऑकवर्ड टाइप होते हैं तो उनमें हमें पहले देखते पता चल जाता है कि यार इसके कहीं और फैक्टर हमें फाइंड आउट हो ही नहीं रहे जैसे कहीं आपको नजर आ जाता है कि सेवन uh, सेवनटीन uh, लिखा हुआ है तो आपके माइंड में बात क्लिक होती है कि सेवनटीन के फैक्टर हमारे पास कहीं और नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज दे आर प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर होते तो काफी सारे फैक्टर्स हो सकते थे तो इसके हो 47, तो इसके फैक्टर जाएंगे एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पर अरेंज करना है, में. सबसे, पहले सबसे बड़ी डिजिट आनी चाहिए small, 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 इस तरह से आपको अरेंज करना है मान लो मैंने नंबर्स में वापस लिख रही हूँ माइनस एट अपॉन फिफ्टी माइनस थ्री अपॉइंट फाइव इलेवन अपॉन ट्वेंटी माइनस सेवन अपॉइन टेन और माइनस टू अपॉइंट थ्री इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है अब मुझे एक बात बताओ क्या मैं डिनोमिनेटर सेम बना सकती हूं किसी भी तरह से बिल्कुल हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखा है 15 यहाँ पे है 5 यहाँ पर है 20 यहाँ पर है 10 और ये 3 क्या मैं यहाँ पे 60 अगर बना दूं सबका अगर मैं एलसीएम देखूँ तो 60 बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 60 बनेगा कि नहीं बनेगा बिल्कुल बन जाएगा 8 4 32 तो -32 60 यहां पर 5 है 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -36 60, यहाँ अपन अपने ट्वेल्व से किया है बहुत करेंगे, ध्यान रखना और यहाँ पर किया था फोर से ठीक है यहाँ पर अपन क्या करें देखो ट्वेंटी है अगर मुझे तो सिक्सटी क्लियर तो यह यहाँ पर टेन है सिक्स से कर दू सिक्स अपॉन सिक्स तो बन जाएगा माइनस फोर्टी टू अपॉन सिक्सटी सिमिलरली थ्री है तो मल्टीप्लाई कर दू ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी तो बन जाएगा माइनस फोर्टी टू अपॉन सिक्सटी ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा अब मुझे इनमें से बताओ कि सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी होगी क्योंकि मुझे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट आता है अब नेगेटिव साइन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं तो ध्यान रखना नेगेटिव में जो डिजिट जितनी एक्चुअल में छोटी होती है ना अगर रियालिटी में कोई डिजिट छोटी है रियलिटी में देखो थर्टी टू सबसे छोटा है क्लियर तो अगर वो उसके पैरल यूनिवर्स मतलब नेगेटिव वाले के नंबर के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो वो सबसे ग्रेटर डिजिट होगी तो यानी कि सबसे बड़ा ये है सबसे नंबर नंबर uh, पे ही आएगा सेकंड के अपन बात करें थर्टी टू के बाद क्या है देखो सो नंबर थ्री पर हमारे पास ये डिजिट होगी नंबर फोर पर अच्छा यहाँ पर अपने पास यहाँ फोर्टी है फोर्टी टू नहीं है ये फोर्टी है ठीक है नंबर फोर पर हो जाएगा ये नंबर फाइव पर हो जाएगा ये तो so, देखो सबसे पहले नंबर पे एट अपॉइंट फिफ्टीन सेकंड नंबर पर इलेवन सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर गॉट इट

देखो वैल्यू पुट करके मैंने डिवाइड कर दिया नॉर्मल कैलकुलेशन है हम बहुत अच्छे से जानते हैं एल एच एस आर एच एस इक्वल इज द राइट आंसर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं आपको डिफरेंस निकालना है लेंथ पी क्यू एंड आर एस के बीच में तो ध्यान से देखो पी क्यू आपको यहां से यहां तक नजर आ रही है तो मतलब पी क्यू कितनी है टेन आर एस की वैल्यू अगर आप देखे सेवन से लेकर फिफ्टीन तक है

थ्री बाय टू स्क्वायर माइनस टू ट्वेंटी थ्री बाय टू सेवन बाय टू प्लस सेवन बाय टू होल स्क्वायर सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे जब अपन इसको सोल्व करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर ठीक है ए माइनस बी नहीं ए माइनस बी होल फॉर्म करेंगे जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या आइडेंटिफाई होता है कि इसके वैल्यून बाई टूट इक्वल टू एट सो एट स्क्वायर कितना होता है ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर फ्रॉम अब यहाँ पर सिर्फ ये कहा कि इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे हॉल नंबर्स कहता है या नेचुरल नंबर्स कहते हैं दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि अगर जीरो के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही है जीरो के बारे में बात होती तो जरूर हम हॉल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ सोचते हैं क्या करना है फोर हंड्रेड नाइन माइनस फिफ्टी प्लस वन क्योंकि ये नंबर इंक्लूड है अगर नंबर इंक्लूडेड नहीं होता तो हम ये प्लस वन यहाँ पर अप्लाई नहीं करते बट नंबर इंक्लूड है इसी वजह से हमने यहाँ पर प्लस वन किया है तो देखो ये कितना बन बन जाएगा 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 ये कितना हो एंड करेंगे तो अपना फोर और ये हो जाएगा फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन प्लस वन सो फोर हंड्रेड फिफ्टी ऑप्शन राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए चूज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं एक स्क्वायर फॉर्म करूं ये देखिए ये हमने अगर एक स्क्वायर बनाया है अब स्क्वायर स्क्वायर नहीं थोड़ा सा रेक्टेंगल हो गया है बट अज्यूम कर लेना तो और और तो so, right के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं में आपको एंगल ए प्लस एंगल इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में देखो जैसे मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 120 माइनस 140 डिग्री सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री ये मेरे पास फॉर्म हो जाएगा एक इक्वेशन है दैट ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 100 डिग्री क्लियर

टेन वेटर्स के बारे में बात की जा रही है तो वेटर्स के लिए व्हाइट वाला पार्ट शो किया गया ओके okay, बच्चों तो थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था इसी वजह से हमारी क्लास बीच में ही इंटरप्ट uh, हो गई थी हाँ तेजस थोड़ा टेक्निकल इशू था क्लियर तो चलिए अपन फोर्टीन क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं हमें यहाँ पर गिवन है कि आपको बताना है कि टेन वेटर्स किस में कौन से अगर हम टर्म इनके बारे में बात करें सेकेंड में है या फोर्थ में है तो देखो यहाँ पर है सेकेंड फोर्थ दोनों में टेन है सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर

सिक्स से कट जाएगा फाइव टाइम फाइव से कट जाएगा सिक्स टाइम तो कितना रेशियो बन जाएगा एटीन रेशियो ट्वेंटी फाइव अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पे देखो कितना आ जाएगा अपने पास फोर्टी थ्री क्लियर दोनों को ऐड किया अब हमें ए का पार्ट यहाँ से फाइंड आउट करना है तो ए का पार्ट फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे पहले ए का जो रेशियो है ए का रेशियो कितना है एटीन अपॉन टोटल रेशियो है फोर्टी थ्री मल्टीप्लाई फाइव ये हो जाएगा अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन so डी हमारे पास राइट आंसर होगा ओके okay, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अब क्वेश्चन सिक्सटीन में हमें क्या गिवन है यहाँ पे ये रेशियो के फॉर्म में दिया है अब इसे कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखिए क्या मैं रेशियो को डिवाइड लिख सकती हूँ

ये आप कर सकते हैं या फिर जैसे आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई टर्म कॉमन आ रही है तो देखो थ्री भी यहाँ से कॉमन आ रहा है और मल्टीप्लाई वन हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री भी कॉमन आ रहा है कॉमन आने के बाद हमारे पास एक टर्म बचेगी काफी सारे नंबर बचेंगे तो हम उसे आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हैं तो जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लियर एटीन क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा इसको पूरा सोल्व नहीं करना है स्मार्टली सोल्व करो क्या करना है यहाँ पर देखो हर किसी ऑप्शन में फाइव एक्स अपॉन सिक्सटीन कॉमन आ रहा है तो क्या हमें ओनली वाई वाले पार्ट को सोल्व कर लो देखो यहाँ भी uh, 3, uh, 37x है तो तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया इसके अलावा देखिए इन तीनों में से answer हो सकता है 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 तो चलिए वाले पार्ट को अपन करते हैं y का पर 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 कितना जब अपन इसे सोल्व करेंगे इनका LCM लेके तो आ जाएगा माइनस थर्टी सेवन अपॉन फोर्टी फाइव तो बताइए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं व्हाट इज द रिमाइंडर अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर 11 से डिवाइड किस कंडीशन में हो सकता है तो उसके लिए आपको चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हम अप्लाई करेंगे हम जानते हैं कि नंबर हम ऐसे नंबर ऐड करने जो ऑड प्लेसेस पर हैं देखो कौन से पहले तो इवन प्लेसेस के बारे में बात कर लूं तो 7 9 8 फिर वापस से 7 9 एट यहाँ पर बात करें वन फिर थर्ड फिर फिफ्थ वाले प्लेस पर कौन सा नंबर है एट के बाद वापस आ जाएगा सेवन एंड नाइन तो इनका और इवन नंबर वाले का जो अपन अपन करेंगे वो आना चाहिए तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे इसमें से हमें सप्रेक करना है अब जो रिमेनिंग है वो और इवन नंबर वाले प्लेसेस पे होंगे नंबर्स तो एट माइनस सेवन हमने क्या किया स्मार्टली वर्क किया है हम चाहते तो हर एक नंबर को ऐड करके यहाँ भी हर एक नंबर को ऐड करके फिर सब कर सकते थे तो हमने क्या किया हमने सोचा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो सेवन से कट हो जाएगा सेवन एट से एट कैंसिल नाइन से नाइन कैंसिल हो जाएगा क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है एट से ये एट कैंसिल सेवन से ये सेवन कैंसिल नाइन से ये नाइन कैंसिल और यहाँ पर भी देखो नाइन से ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हमारा आई थिंक एक टर्म अपन ने कुछ मिसिंग कर दी है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारी रिमाइनिंग रह जाएगा यहाँ पर एट तो चलिए इसको दोबारा अपन लिख लेते हैं सेवन नाइन के बाद एट वापस से सेवन नाइन फिर एट सेवन नाइन ठीक है और यहाँ पर अपन ने देखा माइनस एट एंड देन सेवन ये वाले प्लेस का नंबर अपन जो लिख रहे माइनस नाइन यहाँ पर नहीं आएगा इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम हो रही थी तो ये भी कट नहीं हो जाएगा रिमेनिंग रहेगा सेवन प्लस नाइन माइनस एट रिमेनिंग हो जाएगा तो आ जाएगा एट मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या रह जाएगा एट रह जाएगा

एंड वन साइड ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल की वन साइड आपको गिवन है, मान लो कि ये ब्रिथ है या लेंथ है कुछ भी हमें नहीं पता साइड इसकी अपन कर ले कर सकते हैं क्या यहां है? से सिंप्लीफाई हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा थ्री से कट हो जाएगा टाइम से कट हो जाएगा थ्री टाइम थ्री से वापस से कट हो जाएगा टाइम एक्स so, की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फाइव फाइंड आपको करनी है पैरामीटर रेक्टेंगल की ट्वाइस मल्टीप्लाई ये अपन ने लेंथ ले ली और अगर अपन ब्रिथ को कितना अज्यूम कर लेंगे नाइन क्लियर तो कितना बन जाएगा देखो यहाँ पर बन जाएगा हमारे थर्टी फोर तो आंसर हो जाएगा 68 68 कहीं नजर आ रहा है ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट ऑप्शन अब इसको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करना है सिंपल आप डिवाइड कीजिए जैसे आप अपन इनको डिवाइड करते हैं चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पर जैसे अपन ने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा अपने पास 0.8 नेगेटिव तो चल ही रहा है यहां पर भी 0.8 आएगा आप कंफ्यूजन ये होता है कि मैम कौन सा 0.8 हर जगह आपके तो 0.8 यहां पर वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा नेगेटिव तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि यहां पर हर जगह आ रहा था यहां पर आ गया गया तो हमने ये ऑप्शन मिल गया कि हाँ सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा डी क्यों होगा इसका आंसर है आपके पास देखो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कोई नंबर आपके बारे में बात करते हैं जीरो से ग्रेटर साइड में वो नंबर ग्रेटर होता है तो 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 वो वो अगर अगर हम LHS के बारे तो में में बात करें नंबर 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 हो हो जाएगा वो छोटा छोटा जाता है तो यहां पर देखो अगर मैं देखो, सबसे होगा लेकिन ये नेगेटिव में तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के बारे में बात करते हैं एक पिरामिड आपको गिवन है टेन एजेस हैं तो इसे समझने के लिए चलिए एक डायग्राम यहाँ पर देखते हैं ये आपके पास पिरामिड है जिसमें टेन एजेस हैं One, two, three, four, five, और इस तरह से देखिए फाइव एजेस हैं अब टोटल्स में कितने फेस फॉर्म हो रहे हैं सो वाला फेस तो ये है जो आपको बाहर दिख रहा है एक फेस ये है जो आपको अगर हम बैक साइड से देखें तो ये है एक फेस ये हो जाएगा three, one, two, three, एक एक फेस फेस ये है है जो बाहर की साइड हमें नजर आ रहा है ये वाला फेस फाइव एंड एक जो इसके बॉटम में है सो सिक्स फेसेस हो जाएंगे और ये क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास एक पेंटागन पिरामिड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन हमें क्या करना है टेन से लेकर हंड्रेड तक का आपको सम गिवन है टेन 10 से हंड्रेड तक का सम आपको गिवन है और उसके बाद में दिया गिवन है और हमें टेन से टू हंड्रेड तक का तो अपन क्या करेंगे कर इसमें से आपको क्या सब करना है देखो क्या आपने देखाटी फाइव से लेकर हंड्रेड तक की टर्म्स टू टाइम रिपीट हो रही है वो इसके साथ भी आ गई और इसके साथ भी आ गई चीटिंग हो गई है तो हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे तो अगर कोई नंबर टू टाइम रिपीट हुआ है तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ से कर देंगे। यह हाँ पे बात है। क्या लिखेंगे 95 +96 +97 +98 +99 +100। है? जैसे अपन इसको सप्ट्रेक करेंगे 585, और इनको इनको सोल्व करेंगे ऑप्शन तो सी हमारे पास राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा ओके हेलो कवन

Upon LCM लेंगे कितना कितना आ आ जाएगा 21. 7 जाएगा 3 time, 3 sixer, तो जाएगा जाएगा से कट हो हो तो तो बन आंसर 21, कहीं नज़र रहा रहा है ये ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर था तो बच्चों आज हमारे सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं और जितने भी पेपर थे क्लास टेन टू लेकर क्लास सिक्स सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं ठीक है हेलो अंजू बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि negative में हमारे पास बिल्कुल parallel universe चला जाएगा अगर हम बात करें तो 100 हमें है, greater होता है किसे? 90 से clear? लेकिन अगर negative में चला जाएगा तो हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा माइनस नाइनटी से क्लियर है तो चलिए अब हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट आपके पास जो भी ओलंपियाड होगा उसके सॉल्यूशन के साथ आप हम मिलेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच